भक्तों का चरित्र क्या है? भक्तों का चरित्र दर्पण है। भक्तों का चरित्र दर्पण है जिसमें आप अपने को देखकर अपनी भक्ति को तोल सकते हो। हम कहां खड़े हुए हैं? इसलिए भक्तों का चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। भक्ति तो सबके जीवन में है ही। जो ये कहता हो कि साहब हम तो सत्संग में नहीं जाते, हम तो कथाओं में कीर्तनों में नहीं जाते, पर सच मानिए वह व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है। आप कहेंगे जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता, सत्संग में नहीं जाता, कथा कीर्तन में नहीं जाता, वो भक्ति कर रहा है। हाँ, वह व्यक्ति भी भक्ति कर रहा है। फर्क इतना है कि सत्संग, भजन, मंदिर, तीर्थ, इस सब में जाने वाला व्यक्ति जो भक्ति करता है वह भगवान की करता है। जो इन सब में नहीं जाता है अथवा इन सब को नहीं मानता है वह संसार की भक्ति करता है। भक्ति तो कर रहा है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा तो कर ही रहा है ना। भगवान की नहीं कर रहा है तो स्वार्थवश जीवों की कर रहा है। स्वार्थवश, अपने स्वार्थ के लिए। और संसार कितना स्वार्थी है साहब। संसार कोई नहीं चाहता हमें कोई छोड़कर जाए, किंतु जब कोई चला जाता है तो हम उसके लिए नहीं दुखी होते, हम अपने स्वार्थ के वश दुखी होते हैं। अब हमारा कौन, हमारा कौन, उसके लिए कोई नहीं दुखी हो रहा है। बस क्योंकि हम अपने मोह को स्वार्थ का नाम नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे अब हमारा कौन, जबकि शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, पंथ कहता है, ग्रंथ कह रहा है कि भाई जो हमारे उनके पहले थे, उनके आने पर भी वो हमारे साथ थे, उनके जाने के बाद ही वो हमारे साथ हैं, और तो और जब हम चले जाएंगे तब भी हमारे साथ रहेंगे। वो हमारा परमेश्वर ईश्वर, वो हमारी आत्मा में विराजमान हमारा भगवान है।